गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सबसे सिक्योरिटी प्लेस। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने अपने बेजान बालों में जान कैसे लेके आई हूँ। तो जी हाँ, वैसे आप सबको पता होगा कि इट्स बीन अ ईयर की दैट आई एम यूजिंग दिस शैम्पू, ठीक है, और मैं यही मास्क लगाती हूँ। बट हम इसको एज अ यू नो हेयर मास्क, एज अ स्पा कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। और इट्स बीन अ ईयर, मैंने लास्ट अप्रैल में मैंने अपना हेयर कलर कराया था। सिंस देन आई एम यूजिंग बोथ दीज। और ये शैम्पू काफ़ी चलता है, एक्सपेंसिव है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट येस इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट मी। सो बिना डिले करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज कपड़े धुल रहे हैं और वो ड्रायर मैंने अच्छे से नहीं लगाया है। सो येस, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ऑयलिंग होगा, ठीक है। सो जस्ट ऑयल करते हैं बालों को, देन अच्छे से वॉश करेंगे। मेरा ऑयल है, मैं इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से मसाज करने जा रही हूँ। गाइज मैंने यहाँ पे ऑयलिंग बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से मसाज कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रहने दूंगी फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद मैं अच्छे से हेड वॉश करूँगी, ठीक है, और उसके बाद का प्रोसीजर फिर आगे बताती हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे हेड वॉश कर लिया और साथ में नहा भी लिया था। तो इसको खोलते हैं और आपके देखो ये हल्के हल्के गीले बाल हो गए हैं। इसी में हमने अपना जो हेयर मास्क है वो लगाना है, बिकॉज मैं इसी का ही शैम्पू और इसी का ही मैं ये मास्क यूज़ करती हूँ। इस मास्क को मैं एज अ कंडीशनर यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको याद हो, एक साल पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं इससे आप लोग हेयर स्पा भी कर सकते हो और मैं करके दिखाऊंगी, बट अगेन मैं नहीं कर पाई। तो ठीक है, आज करते हैं। सो ये विटामिनो कलर की सीरीज़ है और मैं यही यूज़ करती हूँ जब से मैंने अपना हेयर कलर स्टार्ट करा। इट्स बीन अ ईयर। हाँ तो ठीक है, इसको लगाते हैं। और आपको इसको अपने हर स्ट्रेंथ में लगाना है, हल्के हल्के ये निकाल के बाल, और वैसे लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो होता है इसमें केमिकल होता है, रूट्स पे आप अपने केमिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। अच्छे से स्ट्रेंथ्स में लगाते हैं इसकी। गाइस मैंने इसे बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसको ना बन बना लूँगी। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मेरा टॉवल था मैंने गर्म पानी करा। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप लगा सकते हो, बट आई एम श्योर कि घर पे स्टीमर नहीं होगा। हेड वाला, मैं फेस वाले की बात नहीं करी, मैं हेड वाले की बात करूँ तो हमारे पास घर पर नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है। आप क्या करना, आप टॉवल लेना, ठीक है, पानी गर्म करना, पानी बॉईल करना, और उसमें इसको डक करके स्क्वीज़ करके, और फिर आप इसको अपने हेड पे लगाओ और आप इसको 15 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दो, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो हमने मास्क लगाया है वो हमारे हेयर में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा। हमारे हेयर में के अंदर जब वो पेनिट्रेट होता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो चलिए इसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देता, फिर 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। ये गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं ये वॉर्म टॉवल लगाए हुए। अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ, वॉश करके ड्राई करके मिलूँगी अब मैं आपसे। और हम देखना आपके हेयर इतने हेल्दी लगेंगे, इतनी जान लगेंगे ना आपके हेयर पे आपको। तो चलिए वॉश करके मिलते हैं। सो गाइस मैंने हेड वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं इसको ना बिल्कुल ही एयर ड्राई होने दूंगी। मैं कोई भी ड्रायर यूज़ नहीं करूँगी। और आपको भी मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप कोई भी ड्रायर, कोई केमिकल, मतलब ये चीज़ें जो ना आप जितना दूर रह सको उतना रहो। देखो वंस इन अ वाइल इट्स गुड, बट अगर आप हमेशा ये चीज़ें करते हो तो आपकी जो नेचुरल चीज़ है ना वो ख़राब हो जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, तो अब मैं इसको बिल्कुल ही ड्राई होने दूँगी, एयर ड्राई होने दूंगी, और उसके बाद में ना मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी इसका। जब आप स्टीमिंग लेते हो ना आपको इतना आराम मिलता है, इतना रिलीफ मिलता है, इतना रिलैक्स फील करते हो ना आप। अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है, हेडेक हो रहा है, तो वैसे ही स्टीम ले लो
और बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट में। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम ये चीज़ें खुद ही करते हैं अपने लिए, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। और जब हम स्पा कराते हैं बाहर तो हमें बस इसे आराम से बैठ जाना होता है और बाकी चीज़ें बस होती रहती हैं। तो हाँ, फ़र्क तो है, सस्ते में इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरे बालों से ये पानी गिर रहा है, मैं इसको सुखा के फिर आपको जो है रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइस, मैंने कल वो हेयर रेमेडी लगाई थी और मैंने आज कॉम नहीं कराया, मैं ऐसे ही चली गई थी, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अभी मैं आपके सामने कॉम करके दिखाती हूँ और आप मेरे बाल वैसे भी देख सकते हो कितने स्मूथ, कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने कॉम करके दिखाती हूँ और आप देखो कि कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ गॉड, मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ? तो चलिए, सो गाइस, आप देखो कॉम करने के बाद और बिना कॉम करे भी मेरे हेयर कितने सिल्क स्मूथ लग रहे हैं। थोड़ी सी जान लग रही है मुझे मेरे बालों में, एटलीस्ट कम से कम मुझे ये तो नहीं लग रहा कि जैसे वो डैमेज वो फ्रीजी से हो गए हैं। और हाँ, स्प्लिट एंड्स तो आ ही गए हैं मेरे बालों में, क्यों? क्योंकि मैं केयर नहीं कर रही हूँ, मैं ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट मैंने सोचा है कि मैं ऑयलिंग करूँगी और होम रेमेडीज स्टार्ट करूँ लगाना, क्योंकि गर्मी आ गई है, गर्मियों में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मुझे साइनस है, तो मैं इतनी चीज़ें नहीं, मतलब ठंडी चीज़ें और ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपको ये पता होगा कि ठंडी चीज़ों से मुझे दिक्कत हो जाती है। तो आप ये वाला जो मास्क है, या आप कोई भी जो मास्क है आप वो ले लो, ठीक है, हिमालय के 100 रुपीज़ में, अप टू 100 रुपीज़ में उसके हेयर मास्क आते हैं, आप लोग वो लगा सकते हो। कुछ भी ऐसे यूज़ करो जिसमें प्रोटीन हो और आपकी प्रोटीन आपके बालों में जाए, ठीक है, आपके बालों में जाए, और क्या कहते हैं, हाँ, आपके बालों में जाना चाहिए, ताकि उसमें आप प्रोसीजर सही लगाओ और आप उस पर उसको स्टीम ज़रूर करो, क्योंकि आप जब अपने बालों को स्टीम देते हो, जो भी प्रोडक्ट लगाते हो वो आपके बिल्कुल आपके रूट्स में जाता है। बट आप मेक श्योर जो भी आप प्रोडक्ट लगाओ वो आपके रूट्स में ना लगाओ, क्यों? हाँ, मैंने कहा रूट्स में जाता है, एज इन मतलब कि ये आपके ये हर एक स्ट्रेंथ में जाना चाहिए, हर एक बालों में लगना चाहिए, ताकि इसमें प्रोटीन आए, जान आए। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आप उस पर क्रीम लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, ऑयल लगाते हो, जो भी लगाते हो, उसके बाद उसमें जान जाती है, वो ड्राई नहीं होता। सेम गोज विद योर हेयर, हेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो यू नीड टू मॉइस्चराइज योर हेयर। आप उसको ऑयलिंग करो, आप उस पर हेयर मास्क लगाओ, आप उस पर एग लगा सकते हो, कर्ड लगा सकते हो, आप उस पर बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज है जो आप ट्राई कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हो। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिए। तो मैं मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।